राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से अब गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रोजी रोटी चलती रहे इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में एक तरफ जहां बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो राज्य में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए राजस्थान में शुक्रवार शाम से 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होंगी। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को बंद कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राजकीय कार्यालय अब शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। इस गाइडलाइन में राज्य सरकार ने विवाह समारोह में लोगों की संख्या 50 निर्धारित की है। बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा। ये गाइडलाइन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी होगी। आइए आसान शब्दों में जानते हैं गाइडलाइंस के नए नियम। सरकारी ऑफिस दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाएंगे। क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं की गई स्थगित। रेस्टोरेंट क्लब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। टेक अवे होम डिलीवरी को रात 8 बजे तक ही अनुमति। सार्वजनिक परिवहन में 50% क्षमता की अनुमति। 31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन होगा सील। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां राज्य सरकार की नींदें उड़ा दी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात तक बैठक लेते नजर आए। इन बैठकों के बाद ये निर्णय किया गया कि राज्य में नई सख्तियों के साथ अब नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK News। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK News।